ऑफ अज़्काबान मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस मूवी को जाके देखो। उसमें जो डिमेंट है वो लिटरली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स शॉरॉन जो शैतान था उसके टावर से इंस्पायर होके बनाया गया, वो भी इतना ज्यादा घटिया लग रहा है मुझे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे आदि पुरुष मूवी के टीजर के बारे में। मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ क्योंकि लिटरली इन लोगों ने बहुत बड़ा चूतिया पा काटा है हमारा आदि पुरुष मूवी के लिए। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन आधे घंटे पहले इन लोगों ने मेरा पूरा एक्साइटमेंट तोड़ दिया। मतलब मैंने टीजर देखा तो एक ही चीज बोलने का मन हुआ कि सालों ने पूरा पैसा लगता है प्रभास को और सैफ अली खान को दे दिया, VFX और CGI टीम के लिए लोगों ने कुछ रखा ही नहीं, या तो हमारे इंडिया में उस लेवल का VFX CGI होता ही नहीं है। और अगर ये लोगों ने अंग्रेजों से इसका VFX और CGI करवाया है तो समझ लेना उन लोगों ने टोपी पहना दी है। लिटरली टीजर में जो VFX और CGI था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर उसके अलावा BGM बहुत अच्छा है, सैफ अली खान बहुत अच्छे लग रहे हैं, रावण और प्रभास एज राम बहुत गजब के, मतलब स्क्रीन पर वो देखकर मजा आ जा रहा है। लिटरली इतना ज्यादा हाइप इसलिए था, ये सिर्फ टीजर है तो हमको ऐसा लग रहा है मूवी में कुछ और होगा, ऐसा है तो भाई ये तुम लोग क्लियर करो। लाल टीजर के काफी पोर्शन लिटरली हंसी आ रही थी देखकर। यार आप लोग भी सहमत हो तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप लोग उस पर्टिकुलर टीजर के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो इतनी ज्यादा तारीफ की गई है, इतनी ज्यादा तारीफ की गई है, मुझे तो काफी फेक कमेंट लग रहे थे। यार जब कोई चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो तो क्रिटिसाइज करो कि हाँ भाई इसका VFX खराब है, इसका CGI खराब है। 2004 में हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस मूवी को जाके देखो। उसमें जो डिमेंटर्स थे यानी कि वो एक तरीके के होस्ट प्रिजन थे जो क्रिमिनल लोगों को पकड़ने आते थे, तो लिटरली डायरेक्टर ने उससे इंस्पायर होकर इस पर्टिकुलर क्रीचर को एनिमेट किया है जो बहुत ही सस्ता 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 वर्जन लगा। उसके अलावा रावण का जो पैलेस है वो लिटरली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स शॉरॉन जो शैतान था उसके टावर से इंस्पायर होके बनाया गया, वो भी इतना ज्यादा घटिया लग रहा है मुझे। मतलब आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोग से क्या बोलूँ। ओवरऑल टीजर अच्छा है लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको भी फील हो सकती है अगर आप लोग एक मूवी लवर हो, अगर आप लोग आदि पुरुष जैसी मूवी के लिए वेट कर रहे थे। लिटरली ऑडियंस का CP काटा है इन लोगों ने, यार बोला क्या और बता क्या रहे ये लोग। अब मैं वेट करूंगा जनवरी का जब ये मूवी रिलीज हो, मूवी रिलीज हो तब जब पूरी मूवी देखे तो यार लिटरली ये जो जितने भी इसके VFX जो कार्टूनिश लग रहे हैं ना वो हम लोग भूल के पूरी मूवी एंजॉय करें सीरियसली। बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।